रहे शाम को पानी। देखिए गुलाब कितने सुंदर लग रहे। थोड़ी क्या लगाए वो देखो, ये दोनों उठ गए। आओ खिचिरा चलाओ, से चलाओ। अच्छा कुर कुर। ये देखिए चना का मिश्रण भुन के तैयार हो गया। इसमें नमक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, सुबह का काम तो सब हो गया, नहा लिया, पूजा हो गई, अब बनाने जा रहे हैं खाना। तो उस दिन परसों के ब्लॉग में आपने देखा था ना कि हमने चना छील के रखे फ्रिज में से, मुझे कुछ निकालना है कि चना छील के रखे हैं, तो उसी चने की बिढ़ई बना रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे थे बिढ़ई बनाना, तो हमने कहा ठीक है। इधर पहले आलू काट लिए हैं, तो आलू टमाटर की सब्जी बना दे रहे हैं सादा। सादा सब्जी बना दे रहे, जीरा डाल दिए और अदरक लहसुन डाल दिया, धनिया मिर्ची ये बेसिक मसाले डाले दे रहे, क्योंकि बड़ा ही सादा सब्जी अच्छी लगती है। मसाला डाल दिया है, पानी डाल दिया है, तो मसाला अच्छा भजा जा रहा है इसमें। ये देखिए कलर मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाली, सादा हल्दी धनिया मिर्ची गरम मसाला। ये टमाटर डाल देंगे तो टमाटर गल जाएंगे, फिर आलू को कच्चे आलू पे बना रहे हैं, आलू डाल देंगे। इधर ये हरे चने पीस के रख लिए थे, सुबह वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, मतलब पानी में डले रहे, नहीं तो काले पड़ जाते, फिर आज निकाले पानी से तो पीस लिए। इसमें हमने डाला है इस चम्मच से 2 चम्मच खड़ी धनिया, 1 आधी चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और डाला है 1 बड़ी इलायची जिसे डोड़ा बोलते हैं, और हींग, धनिया, जीरा, सौंफ, डोड़ा, काली मिर्च, 2 लौंग और हींग। इतना मसाला डाल के इसी में चना में और मिक्सर में पीस लिया था, तो क्या है कच्चा डाल दिया था, तो अब जब ये चना भूनेंगे, मतलब जब हाँ भूनेंगे तो उसी के साथ मसाला भूनना है, भुन जाएगा, नहीं तो वैसे क्या करते मसाला अलग से भून लेते कड़ाही में और फिर से पीस लेते, और पीस के फिर ये भुन जाते चने तो इसी में मिला देते, लेकिन हमने आज कच्चे मिला दिए। जब चना भूजेंगे तो ऑटोमेटिक भुन जाएगा वो तो साथ में, क्योंकि घुन के गेहूं के साथ जैसे बोलते ना घुन तो पिसता ही है, तो चना के साथ मसाला तो भुजेगा। ये देखिए मसाला हो गया, तो टमाटर डाल दे रहे इसी के साथ, आलू भी डाल दे रहे, तो आलू भुन जाएंगे और टमाटर गल जाएंगे थोड़ी देर, फिर पानी डाल देंगे और नमक। ये टमाटर की चटनी भी पीस के रख ली है, इसमें पत्ती है, पुदीना है, अदरक, लहसुन, मिर्ची, नमक, इतनी चीजें डाली है। 2-3 खट्टे टमाटर थे, 1 यही देसी टमाटर, मतलब वो जो खट्टा नहीं होता वो वाला डाल दिया। तो ये टमाटर की चटनी पीस ली, रायता सोच रहे थे लेकिन रायता नहीं बना रहे। देखिए बन रही है सब्जी, ये टमाटर गल गए, हम इसमें पानी डाल दे रहे। ये कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दे रहे, अब बस इसमें ये चना का मसाला भूजे ले रहे, फिर इसके बाद आटा लगा देंगे, रोटी जैसा आटा लगाएंगे गीला गीला, और उसमें भर भर के रोटी जैसी सेक लेंगे, पराठा पूरी जैसी नहीं बना लो, रोटी जैसी बनाएंगे, और फिर गरम गरम घी लगा के खाओ। लपसी बनाते हैं आटा की, उसके साथ भी आटा की लपसी बनाते हैं, उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन अब मीठा मीठा नहीं देना है इनको, 2-3 दिन से खा रहे हैं इसलिए लपसी नहीं बना रहे। देखिए इस तरह तेल गरम हो गया, इसमें ये मिश्रण डाल दे रहे, अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे। ये देखिए आलू की सब्जी हो गई है, अब इसे गैस बंद कर दे रहे, कुकर एक साइड रख दे रहे, धनिया पत्ती काट के डाल देंगे। ये देखिए भुंजड़ा चना का मसाला बिढ़ई के लिए, चलिए बन जाए फिर दिखाएंगे आप लोग को। ये देखिए
चना का मिश्रण भुन के तैयार हो गया। इसमें नमक डालना भूल गए थे तो नमक डाल दिया और थोड़ी सी अमचूर डाल दी। तो अब इनको मिला ले रहे, ये आटा लगा के रख दिया। तो रोटी जैसी बेलेंगे और फिर ये भर देंगे उसके अंदर, फिर गोल कर देंगे, फिर रोटी जैसी सेकेंगे। अभी दिखा रहे हैं जैसे बना रहे हैं हम आपको। ये रखा है इसमें मिश्रण चना का, पहली गाय की रोटी बना दे फिर बनाएंगे। ये थोड़ी इस तरह रोटी जैसी बेली, इसमें ये चना भर दिया। गाय के लिए बना रहे हैं फर्स्ट रोटी। ये देखिए जितना मिश्रण अपने को भरना उतना भर लो, ज्यादा भरना, जैसे ज्यादा हो तो खूब ज्यादा ज्यादा भर दो, कम है हम तो इतना भर रहे हैं। अब इस तरह इसको फोल्ड इस तरह पैक कर देंगे ऐसे गोल करके। बस इसको बेल लेंगे। ये गाय की सिक गई, देखो ये गाय की सिक गई है। ये रोटी वाली बढ़ाई है, अगर पराठा वाली बनाना तो इसी के ऊपर घी तेल कुछ भी लगा के पराठा जैसे सेक लो, पूरी जैसे बनाना तो कड़ाही में सेक लो, भरी कड़ाही में। ये देखिए बिल गई है इस तरह। अब इसको तवा में रखे रहे, बस इसी तरह से सारी रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। बढ़ाई यानी चना की, हरे चना की बढ़ाई। अभी थाली लगा के दिखाएंगे आप लोग को, खिलाएंगे दिखाएंगे बस नहीं, खिलाएंगे भी। ये लग गई दोस्तों थाली, आलू टमाटर की सब्जी है और टमाटर पत्ती पुदीना की चटनी और बेढ़ाई। ये खीर रखी है कल की सूत फेनी की, देखिए आपको तोड़ के दिखाते हैं। देख कितनी मुलायम एकदम, देखिए बहुत सॉफ्ट बनी है, एकदम मुलायम। देखिए किस तरह एकदम लचीली। चलिए दोस्तों आ जाइए खाने के लिए, बेढ़ाई सब्जी चटनी खीर। ये देखिए दोस्तों आ गए हैं नीचे, इनके लिए थाली लगा के रखे आए थे तो ये भी खाने चले गए, खा के सो गए होंगे अब शायद। हम आ गए हैं नीचे, हमने भी खा ली थी बेढ़ाई, दो बेढ़ाई खाई थी, थोड़ी सी खीर खाई थी। अब अभी थोड़ा आटा रखा है, इतना करीब आटा रखा है और मसाला रखा है, तो देर हो रही थी, इनको भी भूख लगी होगी तो छोड़ के चले आए थे। अभी गैस किचन भी करने को टली है तो हमने कहा जाओ तुम खाया फिर बाद में बना देंगे हम। अब आ जाएंगे एक आध घंटे बाद तो फट जाएंगे, तो वो उतनी और सेक के रख देंगे। चलिए दोस्तों एक ब्लाउज ये कल सिल लिया था, वो काई रह गए है करने को, एक ब्लाउज और है तो वो भी सिल लें, फिर दोनों सिल जाएंगे फिर दिखाएंगे। अभी तो आलस आ रही है लगता, लेट जाए थोड़ा सा रेस्ट कर लें। देखो ये छोटा सा पिल्ला, लो ये बॉल है, लो लो लो, देखो कितना प्यारा सा लग रहा छोटा सा, क्यों चिराग चलाओ से चलाओ, अच्छा कुर 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 कुर, देखो कितना क्यूट लग रहा है। ए अली 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 अली, देखो 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 बबली जी क्या खाता, रोटी खाने लगा, आजो हैं, देखो चलेगा अभी, आओ बुलाओ से, देखो दूध पीने गया, कितना प्यारा लग रहा छोटा सा। अबे मम्मी तो नहीं माई जैसे दुकान बंद है, और तुम लोग यहाँ कौन है? अच्छा काय के निमंत्रण में अभी कहा है? अच्छा तो तभी सही नहीं है का? देखो कैसे पी रहा है, देखो ये कैसे दूध पी रहा। अब नहीं पीना, आ जाओ आ जाओ, कुर 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 कुर, इच्छे बुलाते हैं ले पिल्लू, पिल्लू इसका नाम है पिल्लू, टाइगर देखो तिलक लगा है इसके, टाइगर नाम है इसका, तिलक लगा के रखा है इसने।
भगवान ने तिलक लगा के भेजा है उसे। ले आओ दिखा अपना तिलक, देखो ये लगा है इसके तिलक, देखो बॉल खिलाओ से बॉल खेलेगा। देखो ये दया बेटा क्या कर रहे हैं, ए चंगू मंगू। देखो ये कैसे बास्केट में छुपे हैं, आ जाओ ले आओ ले आओ। ये क्यों सो रहा, ए उठो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। क्या लगाए वो, देखो ये दोनों उठ गए, आओ आ जाओ लो। जोड़ा है दोनों का, कैसे कान काढ़े दोनों की, बेचारे कहे तो हमें कहाँ बंद कर दो। ये देखिए आ गए हैं इस वाले घर, क्यारियाँ सूखी पड़ी हैं तो ये बोल रहे थे पानी डालो, तो हमने कहा ठीक है डाले आ रहे शाम को पानी। देखिए गुलाब कितने सुंदर लग रहे, थोड़ी थोड़ी खिल गई हैं कली, एक दो तीन, बीच में उनका एक एक जन के यहाँ छोटा सा वो था पप्पी तो उसको खिलाया, फिर इधर भाभी लगती हैं जिठानी हमारी तो उनके यहाँ रैबिट थे दो तो उनको खिलाने लगे, अब अपने घर आ गए रास्ते रास्ते रुकते रुकते। तो इधर क्यारियों में पानी दे दें, भगवान की संध्या आरती कर देंगे, इधर बहुत अच्छा लगता है, कितने प्यारे लग रहे हैं। हमें तो अपने गुलाब देख के जब हमारी बेटी थी उस टाइम गुलाब लगे थे यहाँ, कम से कम 3-4 पेड़ लगे थे गुलाब के, उसी के हाथ के लगाए थे, इतने गुलाब खिलते थे। जब बिटिया थी हमारी उसने 3-4 गुलाब के पेड़ लगाए हुए थे, इतने गुलाब खिलते थे, इतने गुलाब की पेड़ नहीं नजर आता था, बस एकदम फूल ही फूल, एक एक पेड़ में कम से कम 100-150 फूल लगते थे जहाँ हम लोग इसी घर में रहते थे। फिर किसी कारण बस यहाँ से उस वाले दुकान के ऊपर बनवा लिया तो वहाँ रहने लगे, तो यहाँ की देखभाल ख़त्म हो गई, तो यहाँ बंदरों ने आके पूरे पेड़ बर्बाद कर दिए, नहीं तो इधर इतना अच्छा लगता था, इतने पेड़ लगे थे बहुत सुंदर लगता था। अब केयर नहीं हो पाती इधर की, और लगाओ भी तो बंदर सब खराब कर देते। अभी ये गुलाब खिले हैं बंदर आएंगे, अभी धूप के कारण उतने नहीं आ पा रहे, जिस दिन आएंगे पूरे पेड़ तोड़ के रख जाएंगे, ये मीठे नीम वगैरह। अब ये गुलाब हमने अभी पिछले साल लगाए थे तो खिलने लगे कुछ बंदरों के से, जितने दिन बचे रहे नहीं बचेंगे तो वो भी तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, अभी तो अच्छे लग रहे। चीताफल लगा था इधर इस साइड, इधर चीताफल लगा था, इतने बड़े बड़े चीताफल, इतने मीठे चीताफल होते थे, डाल के पके हुए फल अलग ही होते हैं, लेकिन वो भी पूरा पेड़ बंदर ने नुकसान कर दिया तो फिर हमने काट के फेंक दिया। अमरूद लगा था तो अमरूद में तो छोटे छोटे फल होते थे इतने इतने, लेकिन सब बिल्कुल बंदर कच्चे ही तोड़ देते थे, कभी खाने ही को नहीं मिलते थे, तो वो भी फिर हमने काट दिया, कचड़ा फैलता है फिर हम ही को करना पड़ता, अकेले देख नहीं पाते कहाँ कहाँ, देखो इधर देखो कि उस वाले घर को देखो, तो फिर वो भी कटवा दिया। एलोवेरा लगे थे इधर, अभी ये एलोवेरा लगवाया, फिर यहाँ मिट्टी डलवाई थी तो एलोवेरा लगे थे खूब सारे, जब रहते थे तब बहुत से पेड़ लगाए थे, बहुत सुंदर लगता था। ये नीम यहाँ लगी थी मीठी नीम, तो वो फिर यहाँ जब मिट्टी पड़वाई तो वो भी काट दी, फिर इधर मीठी नीम ये वाली लगवा दी ये इधर, तो ये अभी छोटा है पेड़, उधर बहुत बड़ा हो गया था, फिर उसी से एक पेड़ निकाल के छोटा सा पौधा था तो यहाँ लगा दिया। अब जब यहाँ रहने लगेंगे फिर कभी तो फिर चमक जाएगा। चलिए दोस्तों क्यारियों में पानी डाल दें, संध्या आरती कर दें, फिर मिलेंगे आप लोग से। ये देखिए अंदर भी दीपक जला दिया है, जनर बंद कर दी थी, अंदर दीपक जला दिया, इधर भोले बाबा को भी दीपक रख दिया है। जी रख दिया भोले बाबा के पास दीपक, बस अब यहाँ चैनल में ताला डाल दें, बाहर ताला डाल दें, फिर चले उस वाले घर, तो वहाँ के भगवान की संध्या आरती करेंगे। फिर बर्तन वर्तन पड़े हैं कुछ, तो बर्तन वगैरह वॉश करेंगे।
चलिए इस घर की भी आरती हुई, भगवान को प्रसाद भी लगा दिया। जब पीछे जा रहे थे तो देखो वो पपी मिल गया तो उसको खिलाने लगे। फिर उनके घर गए रानी भाभी के यहाँ, मतलब हमारे पड़ोसी हैं, उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ रैबिट थे तो उनको तो खिलाने लगे। अब बस आप अपने बर्तन साफ करेंगे, खाना रखा है, खाना नहीं बनना है आज तो। और गेहूँ रखे हैं, सोच रहे हैं गेहूँ धुल लें, तो चलिए बर्तन साफ करते हैं, गेहूँ धुल के रख दें, फिर चाहत से बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग आगे बढ़ाइए वीडियो, शेयर करिए ताकि सब्सक्राइब बढ़े मेरे। चलिए दोस्तों यहीं से आप सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। गुड नाइट दोस्तों।